हाँ भाई चलो, तो अपने बात किया था गिब्स मुक्त ऊर्जा फंक्शन है किसका, पी एन टी का। चलो भाई जरा आगे बात कर लेते हैं इसी को, यहाँ तक आ गया था। देखो आता है डी जी इज इक्वल टू डेल जी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी डीपी प्लस डेल जी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डीटी। ठीक है चलो भाई, इसको दे दो इक्वेशन नंबर वन, इसको दे दो इक्वेशन नंबर टू। सम एक था दो की तुलना से, अपन क्या करते हैं दोनों की तुलना कर लेते हैं, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू की क्या कर लेते हैं तुलना कर लेते हैं। जरा देखो तुलना करने से क्या होगा। देखो सब जी, वी इक्वल टू डेल जी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी और एस इक्वल टू माइनस के डेल जी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट। फिर आगे बात करते हैं, यदि जी यथार्थ अवकलज है, कैसा है एग्जैक्ट डेरिवेटिव, यदि जी कैसा है एग्जैक्ट डेरिवेटिव है यथार्थ अवकलज है तो क्या होगा, डेल जी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी डेल ओवर डेल पी डेल ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इट्स इक्वल टू डेल जी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डेल ओवर डेल पी एट। चलो सर जी वैल्यू रख दो ना, वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, देखो डेल जी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी हो गया, डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इट्स इक्वल टू डेल जी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी क्या है, एस है माइनस के डेल है अपॉन डेल। अरे क्या हो गया आपके पास, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है सर जी, तो अपने पास जो फोर्थ मैक्सवेल का इक्वेशन आ गया वो कहाँ है, वो ये रहा डेल वी, ये फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है। क्या कहता है, डेल बी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस डेल एस ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है सर जी, और ये किसके थ्रू आया है, गिब्स फ्री एनर्जी के। ठीक, ये अपने पास क्या हो गए, चार मैक्सवेल के इक्वेशन हो गए। ठीक है, अब जरा अपन का काम क्या है, अपन थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है आओ देखो, जरा देखो सबको समझ तो आ गया ना, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोलो जरा, हटा दूँ इसको। आगे की बात सुन, क्या कहते हैं आगे, अपन वही एक नोट लगाते हैं और नोट के थ्रू एक बात करते हैं। क्या बात करते हैं, देखो अपन जानते हैं चूंकि एच इक्वल टू क्या होता है, एच इक्वल टू होता है यू प्लस पी वी, इसका मतलब डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। डी एच इक्वल टू क्या हो गया, डी यू प्लस पी डी वी प्लस के वी डी पी। अपन क्या करें, अपन ये भी जानते हैं डी क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस पी डी वी और डी क्यू इक्वल टू होता है टी डी एस, इसका मतलब
TDS इक्वल टू DU प्लस PDV, जरा इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लें तो DQ का वैल्यू आ जाएगा TDS माइनस के PDV, जरा ये वैल्यू पुट कर दो, इसलिए DH इक्वल टू TDS माइनस PDV प्लस PDV प्लस के VDV का मतलब DH का वैल्यू हो गया TDS प्लस VDP। अब देखो जरा, अब है काम की चीज, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो सॉल्व कर सकते हो आप लोग। अब अपन एक कंडीशन लगा रहे हैं, यदि प्रक्रम कैसा हो, समदाबी हो, आइसोबैरिक प्रोसेस, समदाबी मतलब आइसोबैरिक, अगर मेरा जो प्रोसेस है वो कैसा है, समदाबी है, यदि प्रक्रम समदाबी हो तब dp इक्वल टू जीरो, इसका मतलब dh इक्वल टू tds, ठीक है, इसका मतलब tds क्या होता है, dq, dh इक्वल टू dq, क्या कहता है, यदि कोई प्रक्रम कैसा है, समदाबी प्रक्रम है, तो समदाबी प्रक्रम में प्रक्रम द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा है वो किसके बराबर होगी, एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर, मतलब समदाबी प्रक्रम में आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा, अवशोषित ऊष्मा एंथैल्पी परिवर्तन के तुल्य होगी, बोल बात समझ आई या नहीं आई, हमारा मतलब अगर हमारे पास कोई प्रक्रम समदाबी है तो समदाबी प्रक्रम में जो ऊष्मा अवशोषित की जाएगी या तंत्र को जो ऊष्मा दी जाएगी, निकाय को जो ऊष्मा दी जाएगी वो एंथैल्पी परिवर्तन के तुल्य होगी, एक तो ये बात, ठीक, जरा अपन आगे भी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, आओ जरा देखो, ठीक है सुनो आगे चीज, अपन जानते हैं देखो क्या होता है, चूंकि जी होता है एच माइनस टी एस, जी का वैल्यू क्या होता है एच माइनस टी एस, इसका मतलब डी जी इक्वल टू डी एच माइनस टी एस, जरा इसको ओपन करते हैं थोड़ा सा, ओपन करो तो क्या होगा डी जी डी एच माइनस डी टी डी एस माइनस के एस डी टी, इसका मतलब डी जी का जो वैल्यू है इसको जरा इस जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, डी जी इक्वल टू डी एच माइनस टी एस, चलो डी एच माइनस टी डी एस माइनस, यदि प्रक्रम हमारा कैसा हो, अगर समतापी प्रक्रम हो, यदि प्रक्रम समतापी हो, अगर हमारा प्रक्रम कैसा हो, समतापी प्रक्रम हो, अच्छा देखो जरा पहले इस कंडीशन में देखिए, अगर डी पी इक्वल टू जीरो है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी एच माइनस टी डी एस इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये मेरे को थोड़ा सा आगे काम आएगा, वो काम क्या आएगा, हाँ यदि प्रक्रम समतापी हो तब डी टी इक्वल टू जीरो, अगर प्रक्रम समतापी होगा तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अगर जीरो हो जाएगा तो डी जी इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस, और डी एच माइनस टी डी एस क्या है, जीरो, अच्छा यदि प्रक्रम समदाबी भी हो, एक मिनट इसको ऊपर लिखना है, जरा एक मिनट रुको, यहां से हटा दें, बोलो ये बात तो सबको समझ आ गई होगी, मैं इसको पहली बात को थोड़ा सा हटा रहा हूं, बस उसमें से मुझे इस चीज से काम है डी एच माइनस टी डी एस, बोलो हटा दें ये ऊपर से थोड़ा सा, चलो देखो जरा एक बार, हाँ सुनो सर जी, डी जी का वैल्यू क्या आ गया,
डी जी आ गया डी एच माइनस टी डी एस, कौन सी कंडीशन में? समतापी प्रक्रम की कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में? समतापी प्रक्रम की कंडीशन में। डी जी इक्वल टू डी एच माइनस के टी डी एस। अपन क्या करते हैं, देखो डी एच माइनस टी डी एस क्या है, जीरो है, या यदि ऐसे लिखे यदि, क्योंकि वो समतापी प्रक्रम में आया है, यदि प्रक्रम समतापी भी हो, यदि मेरा जो प्रक्रम है वो कैसा हो, समदाबी प्रक्रम भी हो, आइसोबैरिक प्रोसेस भी हो, तब डी एच माइनस टी डी एस इक्वल टू क्या होगा, जीरो। यही तो बात है, इसका मतलब डी जी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जी कैसे, तो एक बात कहता है सर, वो कहता है यदि ऐसा मान लो कि कोई प्रक्रम कैसा है, अगर कोई प्रक्रम समदाबी है तो उसमें जो अवशोषित ऊष्मा है वो किसके इक्वल होगी, एंथैल्पी परिवर्तन के इक्वल होगी। और अगर कोई प्रक्रम समतापी और समतापी दोनों है, अगर कोई प्रक्रम कैसा है समतापी भी है और समतापी है, तो उस स्थिति में उसकी जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है सर जी, तो कई सारे पार्ट हमारे पास मैक्सवेल के फोर इक्वेशन से। मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन इंटरनल एनर्जी के थ्रू काम आया, मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन एंथैल्पी के थ्रू, थर्ड इक्वेशन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के थ्रू, और फोर्थ इक्वेशन गिब्स फ्री एनर्जी के थ्रू। ठीक है, ये चार मैक्सवेल के इक्वेशन है, इनसे हमें आगे बहुत काम है, जरा अपन उस काम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, जरा एक बार भी चलो, और वो बात करेंगे अपन मैक्सवेल के समीकरण के अनुप्रयोगों में। देखो हटा दें इसको, हटा दें, मैक्सवेल के समीकरणों के अनुप्रयोग, और उसमें पहला है क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण की व्युत्पत्ति। पहला देखो, ये अपन काम करेंगे क्योंकि अपन को मैक्सवेल के इक्वेशन चाहिए सेम। मैक्सवेल समीकरणों के अनुप्रयोग, क्या है, मैक्सवेल के समीकरणों के अनुप्रयोग है। ठीक है, देखो जरा, पहला अनुप्रयोग क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण, क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण। जरा क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण की व्युत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। देखो भैया क्या होता है क्लासियस क्लैपेरॉन का इक्वेशन, सुनो अपन क्या करते हैं मैक्सवेल के तीसरे नियम से बात करते हैं। मैक्सवेल के तृतीय समीकरण, देखो एक्चुअली वैसे तो कोई ऑर्डर होता नहीं मैक्सवेल के इक्वेशन में, ऐसा तो कोई ऑर्डर होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन अपन को सीक्वेंस तो याद रखना पड़ेगा, इसलिए उस सीक्वेंस को याद रखने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से या इस सिस्टम से अपन लिख लिया है कि अपन ने भाई अपन को याद रहे, क्योंकि हमें ये तो पता रहना चाहिए कब हमने कौन सा यूज किया है। तो मैक्सवेल के तृतीय समीकरण से क्या होता है, डेल एस ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। ठीक है, अपन क्या करते हैं, अपन इसके दोनों तरफ टी से इंटू कर लेते हैं, आ जाओ दोनों ओर टी से गुणा करने पर टी डेल एस ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू टी डेल पी ओवर डेल टी है। अच्छा देखो सर जी, इधर की जो टर्मिनोलॉजी है, इस वाली टर्मिनोलॉजी में क्या है, टी कॉन्स्टेंट है, अगर टी को अंदर भी ले जाएं तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब या टी डेल एस ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू टी डेल पी ओवर डेल टी एट। अब अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं चूंकि dq इक्वल टू टी डी एस, यदि परिवर्तन कैसा हो, अल्प हो, स्मॉल चेंज हो, अगर चेंज स्मॉल होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि डेल q इक्वल टू टी डेल एस, इसका मतलब इस टर्म को टी डेल एस को डेल q लिख सकते हैं,
इसलिए डेल क्यू ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू टी डेल पी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। अच्छा सुनो, अपन क्या करते हैं, अपन इसको और थोड़ा सा चेंज करते हैं। आओ जरा देखो, डेल क्यू ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू एट टी डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। ठीक है, अब जरा सुनो डेल क्यू के बारे में। देखो अपन जानते हैं नॉर्मली जो ऊष्मा होती है क्यू इक्वल टू एम एल होती है, अगर एम का वैल्यू वन हो जाए तो क्यू इक्वल टू एल हो जाएगा। तो ये जो टर्म है ये तो होती है गुप्त ऊष्मा की टर्म, इसको लिखने का तरीका होता है ऐसा लिखेंगे यहाँ एल इक्वल टू होता है डेल क्यू और डेल वी होता है वी टू माइनस वी वन। ठीक है चलो, अगर ये v2 माइनस v1 है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको इसी के जैसे लिख सकते हैं। ये डेल पी है सर। ठीक है, ये डेल पी ओवर डेल टी है। आ जाओ भैया, एल अपॉन डेल वी वी टू माइनस वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू टी डेल पी ओवर डेल टी। क्या हो गया, एट कॉन्स्टेंट वी। इसका मतलब अगर अपन डी पी अपॉन डेल टी रख रहे हैं, डेल पी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इक्वल टू वन अपॉन टी एल वी टू माइनस वी वन एट कॉन्स्टेंट टी। ये जो इक्वेशन होती है इसी को अपन कहते हैं क्लासियस लेग्रैन्ज समीकरण। देखो जरा एक बार के फटाफट से, देखो जरा फटाफट से सर, राइट की टर्म से थोड़ा ऊपर लिखो सर, ये आज की वीडियो अभी नहीं मिलेगी। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्लासियस लेग्रैन्ज समीकरण। ठीक है, ओके सर जी, हो गया क्लियर, आगे बात करें। सुनो सर जी एक और काम की बात, वो क्या कहता है नॉर्मली, वो ये कहता है कि नियत ताप पर टेम्परेचर का वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। नियत ताप पर आयतन में परिवर्तन के फलस्वरूप जो ऊष्मा है वो ऊष्मा क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ये अपन ने यही तो चेंज किया है, एल को डेल क्यू लिखा है। वो क्या कहता है, वो कहता है नियत ताप पर आयतन में परिवर्तन के फलस्वरूप जो अवशोषित ऊष्मा है किसी सिस्टम की वो क्या कहलाती है, उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है, लेटेंट हीट बोलते हैं उसको, लेटेंट हीट। ठीक है, और यह हुआ आपका क्लासियस लेग्रैन्ज समीकरण। कल आगे फिर बात करेंगे इसके बारे में, चलो मैक्सवेल के और अनुप्रयोगों के बारे में। Thank you.